बहुत ही एकड़ में यहाँ खता पांडाल बनाया गया है। दोस्तों यहाँ आप ये भी देख सकते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, ये राजस्थान का पहला एक इतना बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, जो कि इसमें शिव महापुराण कथा और 2100 कुंडियों का महारुद्र महायज्ञ हो रहा है। आप इसमें देख सकते हैं, आपकी इस हर अपडेट में आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। हेलो दोस्तों, जय श्री राम, जय जय श्री श्याम। तो जैसे कि दोस्तों आज मैं पहुंच चुका हूं लक्ष्मणगढ़ तहसील राजस्थान जिला अलवर, जो कि यहां धर्म की गंगा बह रही है। आप देख सकते हैं इस मेरे पीछे का दृश्य, बहुत ही सुंदर दृश्य। आज यहां मैं आज आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से 10 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन की पूरी हर अपडेट इस YouTube चैनल के माध्यम से देने वाला हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ ग्राम जावली का। आप इस टाइम मैं आपको इसी YouTube चैनल के माध्यम से दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं ये ग्राम जावली में बहुत ही बड़ा धार्मिक अनुष्ठान हो रहा है, और यहाँ शिव महापुराण कथा का प्रवचन हो रहे हैं। आप देख सकते हैं इसी गर्मी के अंदर भक्त यहाँ बैठकर कथा का रस पान कर रहे हैं, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। साधु कृष्ण साधु, ये बात समझ लेना, जो सच्चे अर्थों में शिव पुराण के पर कथा सुन लेना, फिर वह जीवन में दोबारा आप कर ही नहीं सकता है। ब्रह्म गायत्री से परिचित होंगे, उसमें 24 अक्षर होते हैं। ओम यह प्रणव है, भूम भुवः स्वः इत्यादि क्या है, तब संकुरो रेडियो से मंत्र का आरंभ होता है और प्रचोदयात पर मंत्र संपूर्ण होता है। तो जैसे गायत्री मंत्र ने, दोस्तों आप मेरे पीछे का दृश्य देख सकते हैं, यहाँ बहुत ही ज़्यादा भीड़ एकत्रित है और भक्त यहाँ शिव महापुराण कथा यहाँ बड़ी दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं। और जैसे कि दोस्तों यहाँ ये इतना बड़ा आयोजन 21 मई तक चलेगा, और यहाँ 18 से 19 और 20 बड़े बड़े देश से हमारे जो साधु संत हैं उनका प्रवचन होगा, और इस प्रोग्राम की मैं हर अपडेट आपको देने वाला हूँ। आप बने रहना इस YouTube चैनल पर। जय श्री राम।
मन में